पद और आयुष विभाग माननीय मंत्री श्रीजुत सर्वानंद सोनवालदेवक भाषण प्रदान अनुरोध जाना। नमस्कार, आज की इस शुभ मुहूर्त पर हमारे बीच उपस्थित विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, देश के आदर्शवादी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, असम की राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी, असम असेंबली की माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, असम सरकार की मंत्री पीयूष हजारिका जी, रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई जी, असम की सांसद तपन कुमार गोगोई जी और इस सभा में उपस्थित असम सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, असम से हमारी सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और परम श्रद्धार विभिन्न सत्र परम पूजन सत्राधिकार प्रभु सकल, असम सरकार विषया कर्मचारी सकल और आज सभा उपस्थित सभी माननीय सभासद और पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महावीर लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर यहां उपस्थित होकर हमें जो प्रेरणा दी है, जो हौसला दी है, जो सहयोग की है, इसके लिए हम असम की जनता हमेशा अपर आभारी है और आभारी रहेंगे। असम सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, लचित बरफुकन देश की स्वाभिमान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, देशभक्ति की भावनाओं से जिन्होंने अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए मुगल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है और मां कामाख्या की धरती को महापुरुष श्रीमंत देव गुरुदेव की धरती को उन्होंने दुश्मनों से बचाया, अपने असमिया की स्वाभिमान सभ्यता संस्कृति को रक्षा किया, भारत माता के सुपुत्र महावीर लचित बरफुकन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की प्रतीक रहेंगे और देश की हिफाजत के लिए, जनता की हितों के लिए हम हमेशा उसी भावना शक्ति से सेवा
बढ़ाते ही जाएंगे। मोदी जी, आपने कल ट्वीट के द्वारा हमें अधिक प्रोत्साहित की है, देशवासियों को प्रोत्साहित की है। आपने लाचित बरफुकन की, उनकी जो साहस को आपने अतुलनीय बताया, और आपने कहा कि महावीर लाचित बरफुकन की देश और देश का जनता की सेवा के लिए हमेशा वही उनके लिए प्रमुख रहे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ये दिए हुए वाणी से निश्चित रूप से हमारे देश की नई पीढ़ी लाचित बरफुकन के बारे में अध्ययन करे, अनुसंधान करे और उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करे। आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देती आई है। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से मैंने देखा है, मैं असम का एक व्यक्ति होने के नाते, नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते, मैं इन बातों को गंभीर रूप से महसूस करता हूं। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई देखता ही नहीं था, लेकिन आपने देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर कोशिश की, जो प्यार आपने दी, जो आदर, जो स्नेह आपने दी है, ये नॉर्थ ईस्ट की कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़े तोहफा है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज देश को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए, पहचान बनाने के लिए आपने देशवासियों को जैसे आत्मविश्वास दी है, तो मुझे लगता है कि लाचित बरफुकन के जो आदर्श आपने सही पालन किया है, सही दिशा पर उसको लागू किया है। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी असमिया भाषा में मैं कुछ समय के लिए संबोधन करना चाहता हूं। हमारी অসমর রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতা লাচিতৰ আহ্বানত লিখিছিল, নতুন দিনৰ অসমীয়া যুগে যুগে হবি তই হৰাই ঘটিয়া, তোৰ দেহ ৰাখিবলৈ গঢ়ি গঢ়ি লবি তই নতুন হিলৈ, চিৰজয়ী হবি তই মাভৈ মাভৈ। অৰ্থাৎ লাচিতৰ মহৎ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি আমি চিৰজাগ্ৰত পোহৰি হৈ দেশ মাতৃৰ সেৱাত সমৰ্পিত ভাৱনাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ পৰিচালনাৰ কাহিনীত অসমীয়া জাতিয়ে যিদৰে সংগঠন শক্তি, নিয়মনিবৰ্তিতা আৰু একমুখী কাৰ্যপন্থাৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয় দিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংৰক্ষিত ব্ৰঞ্জিত কতো তেনে উদাহৰণ পোৱা নাযায়। ই মুহূৰ্তত এটি কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে শৰাইঘাটৰ যুঁজত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাত অন্যতম লাচিতৰ হোতা আছিল আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। আমি আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াকো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। স্বৰ্গদেউ শকৰধৰ সিংহই মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ সেনাপতি ৰূপে বাছি উলিয়াইছিল লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাক। গতিকে সেইগৰাকী মহান যোদ্ধাই, সুদক্ষ সেনাপতিয়ে তেওঁৰ প্ৰচুৰ আহিলা পাতি আৰু বিপুল সৈন্য বাহিনীৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁৰ প্ৰধান অৱলম্বন হৈছে সুদৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আৰু অবিচলিত নিৰ্ভীকতা। এই ক্ষেত্ৰত মহান আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আছিল অদ্বিতীয়।
लासित बरफुकने षोल्लश एसत्तर सनर ऐतिहासिक शराइघाट रणत थलुआ रणकौशल और थलुआ युद्ध सामग्री प्रयोग जुजि मुगलक खेदी पठियाई लासिते आमक आत्मनिर्भरतार उत्कृष्ट निदर्शन और स्वाभिमान देखुआ गई। परमाद्यने प्रधानमंत्री जी आपने आस मेक इन इंडिया के जरिए देशवासियों को आत्मनिर्भर होने के लिए जो मंत्र दी है, आपने मार्गदर्शन दी है, मुझे लगता है कि आज आपने इसके जरिए लासित बरफुकन को भी नमन किया है, श्रद्धा अर्पण की है, क्योंकि लासित बरफुकन ने जो हथियार जो सामान इस्तेमाल किया था मुगल के खिलाफ लड़ाई में, नेवल फाइट में, पानी की लड़ाई में, जलमार्ग की लड़ाई में, उसी कालखंड में जो भी हथियार वो इस्तेमाल करती थी, सब खुद असम के लोगों ने उसको निर्माण किया था। आत्मनिर्भर भारत का तब से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यात्रा शुरू हुई और आज इस यात्रा को आपने साकार करने के लिए, विश्व भर में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए देशवासियों को आपने जो हौसला दी, ये सराहनीय है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं भूपेंद्र हमारे सबके प्रिय है, दिल में है और हमेशा रहेगा। भूपेंद्र ने गाया था, स्वदेशर कारण नरिया देहारे मैं करूँ मुगल हते महारण, बंगहर सुमितेरे लुईत रांगली करी राखीसिलु जननीक मैं दिया पान, और जो प्रतिज्ञा लासित बरफुकने ली थी अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए, वो प्रतिज्ञा उन्होंने सही निष्ठापूर्वक पालन किया था। तो इसलिए लासित बरफुकन हमेशा अमर रहेगा और अमर रहेगा हमारे दिल में और इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो दिशा हमें दी है, जो मनोबल दी है, जो साहस दी है, जो ताकत दी है, इसके लिए आज हम भारत माताओं को दुनिया की हर प्रांत पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए हमारे भारत माताओं के सुपुत्र सभी आज प्रतिबद्ध हुए हैं आपके नेतृत्व में। और मैं इसी शब्दों का साथ फिर से यहां उपस्थित आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए असम सरकार को, क्योंकि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सही कदम उठाया, राष्ट्रभर में लासित बरफुकन के बारे में देश के जनता को जानकारी देने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, असम की जनता की सहयोग से, भारत सरकार की मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से और देश के अलग अलग प्रांतों की जनताओं के सहयोग से, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे हम इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे आदर्शवादी नेता मोदी जी हमेशा हमें हर पल में मनोबल देते आए हैं, और देश सेवा अपने मातृभूमियों के लिए भक्ति भावना से कैसे सेवा की जाती है, इसके लिए जो आपने उदाहरण खड़ा की है आपके 8 साल की कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि देशवासी इसलिए आज नई पीढ़ियों को सही दिशा मिला है, आपके मार्गदर्शन से जो दिशा दी है, इस दिशा से सबको ताकत मिला है, हर भारतीय आपके नाम पर गर्व महसूस करता है, और मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे और महावीर लसित बरफुकन को हमेशा अपने देश जिंदा रखेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं सकल के श्रद्धा और कृतज्ञता मैं आज ये अनुष्ठान उपस्थित थकार मैं कृतज्ञता श्रद्धा जाना सकते आशीर्वाद विचार मैं मोर बक्तव्य सामरी धन्यवाद। जय अखम भारत माता की। माननीय केन्द्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल देवक धन्यवाद जानाइछो। एतिया राइजर सेवात सदाव्रती अति दक्ष जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत